दोस्तों, इस हिंदुस्तान की धरती पर एक से बढ़कर एक अनेक हिंदू राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों विदेशी ताकतों से लोहा लिया और भारत भूमि की रक्षा की। लेकिन हजारों की तादाद में हो रहे विदेशी हमलावरों के हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण और अपने ही लोगों के द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण इन विदेशी हमलावरों ने हिंदुस्तान में प्रवेश करके इस्लामिक सल्तनत के झंडे गाड़ दिए, जिसके बाद इन आक्रमणकारियों ने हिंदू सभ्यता को तहस नहस करके हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इस तरह 17वीं सदी आते आते पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। तब ऐसे में एक व्यक्ति ने इन 1760 सल्तनतों को खदेड़कर और मुगलों की छाती चीरकर फिर से इस हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले। दोस्तों, पिछली कई सारी वीडियोस में हमने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज की वीडियो में हम उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानकारी लेंगे। 9 साल के अंदर 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां जीतने वाले दुनिया के एकमात्र भारतीय योद्धा, 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली, हिब्रू, ब्रज जैसी 13 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हिंदुस्तान के एकमात्र राजा, जिन्होंने 14 साल की उम्र में पद्मभूषण, नायिका भेद, नक्षीक और 7 शतक नाम के शास्त्र लिख डाले। ध्यान से सुनना, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा, बल्कि लिख डाले, वो भी सिर्फ 14 साल की उम्र में। इसके अलावा तलवारबाजी, घुड़सवारी, भाला फेंक, तीरंदाजी, बॉडी बिल्डिंग सभी कलाओं में माहिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर योद्धा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनका नाम सुनते ही पूरा स्वराज्य गर्व से झूम उठता था, जिनका नाम सुनते ही मुगल, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये पांचों की पांचों सल्तनत थर थर कांपने लगती थी, जिनकी 20,000 की सेना ने औरंगजेब की 8 लाखी सेना को बर्बाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई 1657 को, जब महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हिंदवी स्वराज्य का दूसरा तूफान और इस्लामिक सल्तनतों का काल धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन संभाजी महाराज अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे, तभी एक दुखद घटना हुई। उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया, तब वो केवल 2 साल के थे, जिसके बाद बचपन से लेकर आखिर तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष संभाजी महाराज को करना पड़ा। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी माँ साहिब जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान बालक थे। जो लड़का शास्त्र पढ़ने में माहिर होता है ना, फिर उससे शस्त्र नहीं उठता, और जो लड़का शस्त्र उठा लेता है फिर उससे शास्त्र पढ़ा नहीं जाता। लेकिन संभाजी महाराज शास्त्र लिखने में भी और शस्त्र चलाने में भी इन दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। वो तो दोनों हाथों से तलवारबाजी और लगातार 20 घंटों तक घुड़सवारी कर सकते थे। जब वो मात्र 9 साल के हुए, तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य पर आने वाला संकट यानी मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा ले गए। 9 साल के बच्चे को घोड़े पर बैठा कर इतनी लंबी दूरी तय करना इतना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत हों वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जब वो आगरा पहुंचे तो उस दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज थे ना, वो बहुत चालाक और बुद्धिमान थे, वो किसी से डरते नहीं। वो छोटे बालक होने के कारण उस आगरा के महल में इधर से उधर घूम सकते थे, इसलिए वो महल की हर एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहते। इसके कारण शिवाजी महाराज कब औरंगजेब की कैद से फरार हो गए, इसकी मुगलों को भनक तक नहीं लगी। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य को एक नई संजीवनी मिल गई। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तो उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक पाठ पढ़ना और दूसरे हिंदू राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 15 साल के हुए तो उन्होंने पहली बार गुजरात की मुगल सेना को घसीट कर जीत हासिल की थी। परंतु 3 अप्रैल 1680 को हिंदुस्तान में एक दुखद घटना हुई। निरंतर भागदौड़ और लगातार युद्ध करने के कारण शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। ऐसे औरंगजेब बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदम अब पूरी तरह से खत्म।
और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। पर वो इस बात से बेखबर था कि छत्रपति संभाजी महाराज नाम का तूफान दखन में नंगी तलवार लेकर खड़ा था। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। लेकिन बिना देर गवाए संभाजी महाराज ने राज्याभिषेक के ठीक 14 दिन बाद अपना मोर्चा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की तरफ निकाला। 200 समय का बुरहानपुर शहर यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, जो एक समय में धन और वैभव से काफी समृद्धशाली शहर हुआ करता था, मतलब जिसके हाथ में बुरहानपुर यानी दखन उसका। उसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल का काम पूरा होने तक अपनी बीवी मुमताज को 6 महीने इसी शहर में रखा था। इसलिए औरंगजेब भी तो इसी शहर में पैदा हुआ था, इसलिए औरंगजेब का ये सबसे पसंदीदा शहर था। बाद में औरंगजेब ने बुरहानपुर को दखन की राजधानी बनाया, पर छत्रपति संभाजी महाराज हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। इसलिए 30 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। मराठों के इस भयानक हमले से सब तरफ अफरा तफरी मच गई। मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर मुगल सेना पर उनका काल बनकर टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उन्हें काट कर अल्लाह के पास पहुंचा देते। इस तरह एक के बाद एक मराठों ने सैकड़ों मुगलों को काटकर मौत का तांडव मचा दिया था। नवाबपुरा, बहादुरपुरा, शहंगजपुरा, खुर्रमपुरा जैसे पुरे के पुरे 17 गांवों से मराठों ने सोना चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात को लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को जलाकर खाक में मिला दिया। इस घटना के बाद वहां के मुल्ला, मौलवी, फकीर और गांव के मुस्लिमों ने औरंगजेब को शिकायत करके एक पत्र लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, इन काफिरों का जोर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत और संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इसके बाद शुक्रवार का नमाज पढ़ना तक बंद हो जाएगा। ये पत्र पढ़कर औरंगजेब गुस्से से तड़पने लगा और इस पत्र के जवाब में औरंगजेब ने बुरहानपुर के सूबेदार को एक पत्र लिखा, जिसमें वो कहता है कि इन काफिरों को ठिकाने लगाने में खुदा रहा हूं। लेकिन उसे कहां पता था कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध में हरा सके। बुरहानपुर के सदमे से औरंगजेब अभी बाहर ही नहीं आया था कि तभी उसे दूसरी चोट संभाजी महाराज ने औरंगाबाद की दी। औरंगजेब के नाम से बसाया हुआ शहर औरंगाबाद, जिस शहर का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। मराठों ने औरंगाबाद में मुगलों को इतना लूटा कि उसके नाम के सिवा वहां पर कुछ नहीं बचा। इस घटना के बाद औरंगाबाद में संभाजी महाराज का खौफ इतना ज्यादा बैठ गया कि लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। औरंगाबाद की इस भयानक लूट से औरंगजेब बर्बाद हो चुका था। तभी तीसरी और एक चोट संभाजी महाराज ने औरंगजेब को दी। औरंगजेब का बेटा अकबर, जिसने अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो सीधा महाराष्ट्र में आया, क्योंकि उसे पता था कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही ऐसा माई का लाल है जो औरंगजेब को टक्कर दे सकता है, वो है छत्रपति शंभूराजे। संभाजी महाराज ने उसे शरण देकर मुगलों का सफाया करना जारी रखा। इन तीन दर्दनाक चोटों से औरंगजेब बौखला उठा, अब उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो तुरंत 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े, 35,000 ऊंट और अपनी 8,00,000 की फौज लेकर दखन की तरफ निकल पड़ा। जब औरंगजेब की सेना रास्ते से गुजरती थी तो 3 किलोमीटर का रास्ता समेट लेती थी। इतनी विशाल फौज तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र में पड़े, तभी मराठे एक खूंखार शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़े। जहां पर मुगल मिलते वहीं पर उन्हें गाजर मूली की तरह काट काट कर जमीन पर दफना देते। मुगल आगे, मराठ उनके पीछे। इतना मारा, इतना दौड़ाया कि उठते बैठते, जागते सोते सब तरफ मराठे ही मराठे नजर आते। एक बार नहीं, बार बार, बार बार नहीं, लगातार मुगलों के हार की खबरें औरंगजेब के कानों पर सुनाई देती। फिर भी मराठों का मन नहीं भरता, इसलिए मराठे मुगल छावनी में घुसकर मुगलों को चीर फाड़ देते। सरबुलंद खान मार खा के लौटा, बहादुर खान दौड़ दौड़ के थक चुका था, फलेह खान मुंह काला करके गया, शहाबुद्दीन खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और औरंगजेब डर के मारे सामने नहीं आ रहा था। एक से बढ़कर एक तुर्रम योद्धाओं को संभाजी महाराज ने ठिकाने लगा दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीटा। दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान में सल्तनतें तो बहुत थी, लेकिन इन सभी सल्तनतों को ठिकाना लगाने वाले एक ही थे, छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का यह तूफान किस तरह दक्षिण भारत में जाकर धड़का और किस तरह धर्म परिवर्तन करने वाले मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतार दिया, जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अगला पार्ट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।